बैजयंतों विरोध में दिल्ली में अभियोग बैजयंत पंडा और जग्गी पंडा विरोध में सीएसआर फंड हेरफेर सहित जाल कंपनी जरिया पुंजी निवेश होता अभियोग अभियोग आनी दिल्लीर स्वेच्छासेवी संगठन पाथ जाल कंपनी जरिया सीएसआर फंड घोटाला होथ स्वेच्छासेवी संगठन पक्ष एक सांबादिक सम्मेलन में अभियोग सीएसआर फंडर उपयोगिता ग्राउंड में देखापी मिलून अभियोग दिल्ली में स्वेच्छासेवी संगठन पाथ पक्ष सांबादिक सम्मेलन में अभियोग अणा बैजयंत जागी विरोध में टैक्स चोरी अभियोग दुर्नीति मामला आसवा पर बैजयंत बीजेपी में मिशिंट बैजयंत विरोध में तदंतकारी संस्था पाखे सूचना अच्छी बाहामा और पानामारे सेल कंपनी जरिया बैजयंत जगी कंपनी को एफडीआई आसुच्छ पुंजी निवेश करुवा कंपनी जाल होइथिबार अभियोग होइछि। ए संपर्क में आईनजीवी अतुल गुलेरिया सहित अधिक आलोचना करिछन्ति आम दिल्ली प्रतिनिधि शबनम दानी। पंडा एवं बैजयंत जय पंडा ना संगीन अभियोग आनी कि दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल कर तेरे केस फाइल कर अतुल गुलेरिया ना कौन अभियोग रही से किभली भाव सेल कंपनी सहित जोड़ित ही रही सहित कथापी सीधा सड़क आम सहित अच्छा अतुल गुलेरिया सहित आलोचना करवा। सर आपने जो प्रेस मीट में कहा कि शेल कंपनीज में ओटीवी का 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वो क्या एलिगेशंस है जिसको आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान दस्तावेज आए हैं जिससे ये पता चलता है कि ओटीवी ने 10 करोड़ रुपये में एक दिल्ली साउथ दिल्ली में एक प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के मालिक दो ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 से ही एग्जिस्टेंस में नहीं हैं। तो जिन कंपनियों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उनको 10 करोड़ रुपया, वो ये दोनों शेल कंपनीज हैं, उनको 10 करोड़ रुपया पेमेंट हुआ है और वो ऑब्वियसली देश से बाहर गया है वो पैसा। पंडा एवं बैजयंत जय पंडा ना संगीन अभियोग आनी कि दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल कर तेरे केस फाइल कर अतुल गुलेरिया ना कौन अभियोग रही से किभली भाव सेल कंपनी सहित जोड़ित ही रही सहित कथापी सीधा सड़क आम सहित अच्छा अतुल गुलेरिया सहित आलोचना करवा। सर आपने जो प्रेस मीट में कहा कि शेल कंपनीज में ओटीवी का 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो वो क्या एलिगेशंस है जिसको आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान दस्तावेज आए हैं जिससे ये पता चलता है कि ओटीवी ने 10 करोड़ रुपये में एक दिल्ली साउथ दिल्ली में एक प्रॉपर्टी खरीदी है। उस प्रॉपर्टी के मालिक दो ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 से ही एग्जिस्टेंस में नहीं हैं। तो जिन कंपनियों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उनको 10 करोड़ रुपया, वो ये दोनों शेल कंपनीज हैं, उनको 10 करोड़ रुपया पेमेंट हुआ है और वो ऑब्वियसली देश से बाहर गया है वो पैसा। सर ये जो आपने कहा कि जो फोरम है जिसमें कि आपको ये डिटेल मिले, आपने एक जर्नलिस्ट का भी नाम लिया जिन्होंने कि पिटीशन फाइल की है, वो जर्नलिस्ट का नाम क्या है और आपने जब ये सारा देखा क्या क्या आपके पास एविडेंस हैं जो आप अभी हमें दिखा भी रहे थे, एविडेंसेस क्या क्या है इनके खिलाफ कि इस तरह से उन्होंने पैसा लिया है और ये देश के बाहर पैसा गया है? इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत पॉपुलर संस्था है और बहुत क्रेडिबल संस्था है जिनका काम ही ये है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। पनामा पेपर लीक्स जो हैं वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था जिसके रिजल्ट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोसिक्यूटेड एंड सेंट टू जेल एंड दैट इज देयर क्रेडिबिलिटी ऑफ आई मीन इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। सो उन्होंने उनकी जो इंडियन पार्टनर हैं वो इंडियन एक्सप्रेस है, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें उजागर करी थी कि आईसीआईजे की वेबसाइट पे इंडिया से रिलेटेड 475 फाइल्स अपलोडेड हैं बहामास से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, जो दर्शाता है। तो हमारे जो पिटिशनर है भूपेंद्र सिंह पटेल, इन्होंने उसी वेबसाइट पर जाकर उसको डीपली स्टडी किया, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करे और डॉक्यूमेंट्स में उनको ये पाया कि तीन कंपनीज जो फिनले है, मसीना है और आपका पिकीका है, ये तीनों ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में निवेश किया और वो निवेश अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन होकर ऐसी कंपनियों में आया जिसके बिजयन पांडा और जागी मंगत पांडा मालिक हैं। और ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, बहामास की रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं
और वहाँ से इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं और कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड्स हैं। सर, एक बार आप ये जो फाइल आपने पकड़ी हुई है और इस फाइल में आपके सारे एविडेंस हैं, क्या ये आप हमें दिखा के डिटेल बता सकते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस हैं जो आपने डाउनलोड किए हैं फाइल में से, और ये अभी दिल्ली हाईकोर्ट में केस का प्रोसीडिंग्स क्या है, केस की स्टेटस क्या है? मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि हमने कोर्ट की और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की सहूलियत के लिए चार्ट्स बनाए हैं। उधर ये चार्ट्स बनाए हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डिंग इन्होंने कैसे एक्वायर करी इंडियन कंपनीज में, ये हमने इसमें बताया है। ये कंप्लेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के समक्ष है आज भी, इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। सर, ये सारे कंप्लेंट ये इंस्टांसिस हैं कि पैसा कैसे कैसे आया किस कंपनी में, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लोन के द्वारा आया, ये आप देखिए फिनले कॉरपोरेशन ने इन्वेस्ट करा ओटल कम्युनिकेशन, ओटल इज अ कंपनी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय श्री जय पांडा, ये ऐसे पैसा आ रहा है, इसमें निवेश आ रहा है। तो सर, अभी इतने सारे ट्रांजेक्शन्स आपने दिखाए, अभी केस का स्टेटस क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट में आपने केस कर रखा है, सिर्फ जय पांडा के खिलाफ है या और भी कितने लोगों के खिलाफ केस? व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हमारे जो पिटिशनर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके समक्ष एक क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस आया जो कि ट्रेल एस्टेब्लिश करता था कि ये कहाँ लीड कर रही है। तो वो हमने पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को दिखाया कि जी ऐसे ऐसे पैसा आ रहा है गलत तरीके से, ऐसा लगता है, और आप कुछ कीजिए इसके बारे में। उसके थोड़े दिन बाद ही जो है पांडा जी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम हाईकोर्ट जाते हैं कि जी कोई सुनवाई नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि नहीं, उन्होंने कागज़ पढ़े और विचार करके एक साल तक सुनवाई हुई है करीब करीब, और फिर आदेश किया है कि नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये आदेश किया था 7 फरवरी 2020 को आदेश किया गया था, और अभी 8 महीने हो गए। इस केस में कोई प्रोसीडिंग हुई है या इसका नेक्स्ट हियरिंग कब है, कोर्ट ने कब कहा है कि ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई थी इन्हीं डायरेक्शंस के साथ कि आप जांच कीजिए और रिपोर्ट जो है वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट या ट्रायल कोर्ट के सामने फाइल की जाएगी। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी और हमारे कई उनको चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया कि उन्होंने बहामाज में जाकर या बहामाज की रजिस्ट्री से कोई वेरिफिकेशन करी हो, ICIJ को चिट्ठी लिखी हो कि जी ये आपने दस्तावेज पोस्ट करे थे, इनकी सच्चाई वेरेसिटी कितनी है आप बताइए। ऐसे कोई स्टेप्स मुझे लगता नहीं कि लिए गए हैं, लिए भी गए होंगे तो हमें बताए नहीं गए हैं। तो सर, आप ये बोल रहे हैं कि जो जो स्टेप्स लिए गए हैं कोर्ट के आदेश के बाद, वो अभी तक आपको नहीं पता या कोर्ट में इसके कोर्ट को उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं? नहीं दिए। तो अभी आपका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोर्ट में उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इस दौरान क्या उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा या क्या होगा, क्या प्रोसीडिंग्स हैं? कंटेम्प्ट अभी नहीं लाई करेगा, लेकिन हम दोबारा कोर्ट के पास जा सकते हैं यही शिकायत लेते हुए कि स्पेसिफिकली ऑर्डर में मेंशन था कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अभी तक वी डोंट नो वेदर हाउ मच थिंग्स हैव मूव्ड। तो फिर आप कब कोर्ट में फिर से जाएंगे या फिर से इसके लिए कोई रीअप्लाई करना पड़ेगा या किस तरह का प्रोसेस रहेगा सर? इसी सेम डिस्पोज ऑफ रिट पिटीशन में एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी अगर मुझे इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो। जी, तो इसके बाद ही इसकी प्रोसीडिंग कोर्ट में फिर से चलेगी। yes. तो अभी कोर्ट भी आजकल बंद चल रहे हैं, पूरी तरह से खुले नहीं हैं, फिजिकल हियरिंग्स हो नहीं रही हैं। तो सर, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका मेन जो मोटिव था वो क्या था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दौरान अभी आपने क्यों? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम फिर से सवाल जो है सरकार के सामने पेश कर रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपके सामने कोर्ट का आदेश है, कुछ किया जाए इसमें। थैंक यू सो मच सर। तो अपना सुनते अतुल गुलेरिया को जे कि जो कंपनीज दुईटी कंपनीज थिला से कंपनीज रो नारे जो सब कंप्लेन्स थिला बा शेल कंपनी माध्यम रे जो ट्रांजेक्शन हेछि बोली कह जाउतला ताहा को नहीं कि पिटीशन फाइल करछंती, कोर्ट रे मामला रहिछि 8 मास होलानी, यहाँ को नहीं कि कोनसी प्रक्रिया आगो को बढ़ी नाही बोली अतुल गुलेरिया कहते हैं, ताको नहीं कि से पुणी थे अप्लाई करेंगे कोर्ट में आप्लिकेसन दाखल करेंगे, देखा को रही है मामला कुआड़ को गति करुँ कि भाव कोर्ट यहाँ रेस्पॉन्ड कर। दिल्ली कैमरामैन मुक्तिकांत सहित शबनमा देनी न्यूज 7।